सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में देर रात कार में सवार 6 युवकों ने पहले तो देवड़ू रोड पर विकास नाम के एक शख्स के घर पर फायरिंग की और उसके बाद इन युवकों ने रूपनगर में हरिओम नाम के एक शख्स के घर पर फायरिंग की और ये सभी युवक रूपनगर के मकान पर फायरिंग करके भागे तो इनकी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस पर सोनीपत पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को धर दबोचा और 2 युवक हथियारों सहित फरार हो गए। सभी युवक सोनीपत के ही रहने वाले हैं और गिरफ्तार युवकों से सोनीपत पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। सोनीपत पुलिस के गिरफ्त में दिखाई देने वाले ये 4 युवक प्रिंस, हर्षित, गौरव और प्रेम है। इन 4 युवकों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले तो देवड़ू रोड पर विकास नाम के युवक के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और उसके बाद ये कार में बैठकर रूपनगर गली नंबर 3 में पहुंचे, जहां पर इन्होंने हरिओम नाम के एक शख्स के दरवाजे पर 2 फायर किए और वहां से फरार हो गए। रूपनगर में इन युवकों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन सोनीपत पुलिस ने इन 4 युवकों का पीछा करते हुए धर दबोचा और इनके 2 साथी हथियारों समेत वहां से फरार हो गए। इन्हें कोर्ट में पेश कर सोनीपत पुलिस ने रिमांड पर लिया है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इन्होंने सोनीपत शहर में अलग अलग जगह फायरिंग की वारदातों को क्यों अंजाम दिया। आज देवड़ी रोड पर गली नंबर 3 में विकास के घर पर जा करके गोली चलाने बारे हमें सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्परता से पुलिस ने जाकर कार्रवाई की। 112 ERB 176 सबसे पहले पहुंची थी, जिसने जाकर मौके का मुआयना किया और विकास नाम से व्यक्तियों के नाम बताए। तुरंत उसी पर डायल 112 करके शहर की नाकाबंदी करा करके PCR और राइडर को सतर्क करते हुए उनसे बरामद करने के बारे सभी की VT प्राप्त की गई। VT तुरंत होते ही सभी ने नाकाबंदी कर दी और नाकाबंदी पे तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को दबोच लिया गया। सर क्या क्या नाम है 4 आरोपियों के? 4 का नाम, एक का नाम है हर्षित, एक का नाम गौरव और एक का नाम गौरव, एक का प्रिंस है और एक का नाम प्रेम है। सर क्या कारण थी फायरिंग करने का? फायरिंग करने का यह कहा कि विकास नाम के लड़के ने हर्षित नाम के लड़के पर पहले हर्ष जो सिविल उसमें सदर में मुकदमा दर्ज किया गया था 2020 में, उसके झड़ंजे सकते हुए आज उन्होंने शराब वहाँ पर फाजिलपुर में बैठकर रात को शराब पी, अपने साथियों को इकट्ठा किया, साथियों के इकट्ठे लेकर के विकास के घर पर पहुँचे। रात के करीब 2 बजे उन्होंने उसके घर के बाहर दहशत फैलाने के लिए, उसको जान से मारने के लिए उस पर फायरिंग कर दी। जैसे ही सूचना पर पता लगा कि ERB 112 आ गई है, वह तुरंत वहाँ से भाग गए थे। सर स्वरूपनगर में भी फायरिंग की इन्होंने? आज रात को ही, रात के टाइम इन्होंने पहले रूप देवड़ी रोड पे, उसके बाद रूपनगर में वापिस फिर वहीं देवड़ी रोड पे इन्होंने 3 बार फायरिंग की। आरोपी से कुछ बरामद हथियार भी बरामद हुए हैं? हाँ, उन्होंने पिस्तौल जो बरामद की थी वह भी लेकर भाग गया हुआ है, जिनमें 4 आदमी आरोपी पकड़ लिए गए हैं, 2 फरार हैं।